वेलकम टू माई चैनल लिटिल जॉय बिग हैप्पीनेस। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो मैं ज़रा बच्चों के साथ बाहर आई थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी यहाँ का वेदर शेयर कर लूँ। बहुत ही अच्छा वेदर था आज। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने न्यू ओवन की अनबॉक्सिंग। और इसके अलावा मेरी आज फ्रेंड आ रही थी लंच पे तो उसके लिए मैंने क्या बनाया वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फुल कुकिंग वीडियो तो मैं ना बना सकी क्योंकि बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने जो भी बनाया था इंशाल्लाह वो सारी रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियोस में। और तो चलिए चलते हैं कि मैंने अपनी ख़ास दोस्त के लिए क्या बनाया था। जी तो मैंगो मूस बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। साथ में समोसे फ्राई किए थे, ये भी मैंने खुद ही बनाए थे, फ्रीज कर लिए थे। पे हरी चटनी बनाई थी, साथ में चिकन रोस्ट और हनी एंड चिली चिकन, ये भी बहुत मज़े का बना था। पुलाव बनाया था, छन्ना चाट और कबाब बनाए थे और साथ में फ्राइज थोड़े से। और छोटा सा केक ऑर्डर किया था उसके लिए। ओवन ओवन जो है तो हमने ऑनलाइन लिया था अमेज़ॉन से, रॉयल कैटरिंग मेड इन जर्मनी। और ये जो है सुबह ही डिलीवर हो गया था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो इंशाल्लाह फिर मिलके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये रहा ओवन और इसके साथ है ये ट्रे। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। ये लीजिए, किचन में रख दिया है मैंने ओवन। और ये अंदर से कुछ इस तरह है। और ये रहा ऑन एंड ऑफ, ये रहा टेम्परेचर, ये है हीट एलिमेंट और ये रहा टाइमर। जैसे ही ओवन डिलीवर हुआ है तो पहला ख्याल मुझे पिज़्ज़ा का आया कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊं, तो पता नहीं मैंने अपना जो राउंड ट्रे था पिज़्ज़ा का वो मैंने कहीं स्टोव में रख दिया था और मैं बहुत थक गई थी आज। तो मैंने ही गई स्टोर में कि जाऊं ट्रे ढूंढूं और फिर लाऊं, तो मैंने इसी वाले ट्रे में ही बना लिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो ये थी आज की वीडियो। आप बताएं मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।